खबर कोरिया से है, जहां पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लगे तीन बड़े सेमर के पेड़ नियमों की अनदेखी कर काट दिए गए। जिम्मेदार लोग अब कुछ भी बोलने से कतराते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा देश एक पेड़ माँ के नाम अभियान में पेड़ लगाने में लगा हुआ है ताकि हरा भरा वातावरण बना रहे और शुद्ध ऑक्सीजन मिले, वहीं दूसरी तरफ पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ही सरकारी जमीन से तीन बड़े पेड़ काट दिए गए। इतना ही नहीं, पेड़ों की लकड़ी भी गायब है। इससे संबंधित जिम्मेदारों के पास कोई जवाब नहीं है। कुछ ने गोलमोल जवाब देते हुए मौखिक तौर पर कहा कि नया भवन बन रहा है, पेड़ बाधा उत्पन्न कर रहा था, इसलिए उन्हें काट दिया। अब अनुमति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। जब सरगुजा संभाग के संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे तो पत्रकारों ने पेड़ों की कटाई देखी। संज्ञान में लाए गए संयुक्त स्वास्थ्य संचालक ने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। ये अभी अभी मैं यहाँ पे दौरे पे आया हूँ, मेरे संज्ञान में आया है। मैंने इसके लिए जांच के लिए जो है एक चिट्ठी बना करके नोटिस भी जारी करेंगे कि प्रॉपर उसका पालन किया गया कि नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया जो भी दोषी तो उस पर नियमानुसार पूरे प्रक्रिया का पालन करके कार्रवाई निश्चित हो। सर, जो आंखों का